सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड निकोलस स्टर्न ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की तरफ से बनाई गई लाइफ थीम की सराहना की। अतीक अशरफ की हत्या पर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से तलब की रिपोर्ट, प्रयागराज समेत यूपी के सभी 75 जिलों में धारा 144 लागू। कर्नाटक में भाजपा को लगा बड़ा झटका, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने भाजपा छोड़ी, चुनाव का टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र पर किया हमला, कहा सरकार ने विधायिका को रबर स्टाम्प बना दिया। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयानों से विपक्ष को मिला बड़ा मुद्दा, सीआरपीएफ को लेकर कांग्रेस ने दागे कई सवाल। सीएम बोम्मई का चुनाव से पहले किया बड़ा दावा, कहा कर्नाटक में बीजेपी की होगी जीत, सर्वे में मिल रही 130 सीटें। बीजेपी वाले विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, केजरीवाल को सीबीआई के समन पर कपिल सिब्बल, बोले ये कानूनी प्रक्रिया नहीं। अतीक अहमद की हत्या पर ओवैसी का हमला, शायराना अंदाज में कहा तुझको कितनों का लहू चाहिए। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पर उदित राज, बोले क्या भगवान राम का इस्तेमाल इन कृत्यों के लिए होगा। अतीक अहमद की हत्या पर बाबुल सुप्रियो ने उठाया प्रशासन पर बड़ा सवाल, बोले पुलिस ने हत्या पूरी करने की अनुमति दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय बुरहानपुर दौरा, बुरहानपुर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केजरीवाल को मिले सीबीआई के समन पर, बोले अन्ना हजारे, कहा इंक्वायरी में दोष निकले तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। मनोज तिवारी का दिल्ली सीएम पर तंज, बोले केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार की फाइलें लेकर घूमते थे वो कल सीबीआई ऑफिस लेकर जाइए। ओडिशा के पूर्व बीजेडी विधायक अनम नाइक ने खिलाफ ईडी की चार्जशीट का विशेष अदालत ने लिया संज्ञान, 3 साल पहले दर्ज हुआ था मामला। पश्चिम बंगाल में आदिवासी महिलाओं की दंडवत यात्रा के मामले में एनसीएसटी का सख्त रुख, बंगाल पुलिस प्रमुख से मांगा जवाब। अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या, कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाते वक्त हमलावरों ने मारी गोली। अतीक और अशरफ की हत्या, तीनों हमलावरों का सरेंडर, आरोपी लवलेश के पिता बोले थप्पड़ मारने के केस में जेल गया था, अब तब से हमने त्याग दिया। गोरखपुर में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में घमासान, एमएलसी देवेंद्र का आरोप, एमएलसी धर्मेंद्र और महानगर अध्यक्ष रुपए लेकर बांट रहे टिकट। कानपुर में कोरोना से साल की पहली मौत, किडनी रोगी का प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था इलाज, एक्टिव केस की संख्या 57 पहुंची।
उन्नाव में 2 स्वास्थ्यकर्मी समेत 7 कोविड पॉजिटिव। अब कोरोना संक्रमण के 11 केस सक्रिय। सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना से बचाव के उपाय नहीं। आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए जारी की तीसरी सूची। लखनऊ से अंजू भट्ट को बनाया महापौर का प्रत्याशी। मेरठ में कोरोना से महिला की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 74 पहुंची। शनिवार को मिले 5 नए संक्रमित। अमरोहा में युवक ने फांसी लगा कर दी जान। कमरे में फंदे से लटका मिला शव। पारिवारिक कलह से था परेशान। मुजफ्फरनगर में किसान की मौत पर हंगामा। आरोपियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को गंग नहर पुल पर रखा शव। अमरोहा में थाने पर जाटव समाज का प्रदर्शन। भीमराव अंबेडकर पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग। आंदोलन की दी चेतावनी। हरदोई में किशोरी के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम। दफन शव के पास पुलिस ने रात भर दिया पहरा। मां ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। भदोई में सुरक्षा के किए गए कड़े बंदोबस्त। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्ध लोगों और वाहनों की भी सघन तलाशी ली गई। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बागपत में अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। जिले में धारा 144 लागू। अतीक की हत्या के बाद हाई अलर्ट पर हरदोई पुलिस अफसर। रात भर मिश्रित आबादी में कर रहे गश्त। सोशल मीडिया पर रखी जा रही कड़ी नजर। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। दर्जनों मामले में फरार चल रहा था अपराधी। अमरोहा में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर। होमगार्ड की मौत। रहरा थाने में था तैनात। देर रात लौट रहा था घर। बिजनौर में बस से सवारी उतारने को लेकर हुआ विवाद। रोडवेज ड्राइवर और चालक की पिटाई। पुलिस जांच में जुटी।